हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सबका आपके भाई के चैनल में। तो आज मैं जा रहा हूँ जौनपुर, मेरे दोस्त के घर एक फंक्शन है उसी में, तो दिखाता हूँ आपको सब आज का। तो चलिए आज के सफर का आनंद लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शाम के समय सफर करने का यार आनंद ही अलग है। मुझे, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे शाम के समय बहुत सही लगता है सफर करने में। या यूँ कह लो कि मैं रात का राजा हूँ। अगर रात में आप मुझसे कहीं कहोगे कि कहीं चलना है तो मैं कहीं भी हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। मतलब मेरा पर्सनली ये है कि शाम के समय या रात के समय कहीं सफ़र करना हो तो यार उसका आनंद ही अलग रहता है। दिन में यार मेरा तो मन नहीं होता कहीं जाने का, और मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ कि कहीं बाहर दिन में जाना हुआ, उसी से ये रहता है कहीं भी जाना हो तो शाम में या फिर रात में ही जाऊँ। अपना अलग मज़ा है यार रात का। और अभी तो मैं बनारस शहर में ही हूँ, तो अगर आपको कोई भी बनारस में ऐसा कोई जगह हो जो आपको देखना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस जगह के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से आपको दिखाऊं और उसके बारे में सारी जानकारी आपको दूं। तो ऐसी कोई भी जगह होगी अगर जो बनारस शहर में आपको देखना होगा, जो आप देखना चाहते होंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा बढ़िया से आपको दिखाऊँ। ठीक है, चलिए सफ़र का आनंद लीजिए। सफ़र का आनंद लेते हैं, ड्राइविंग पर थोड़ा ध्यान देते हैं, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाई।
बनारस से आजमगढ़ जोड़ता है, यही बनारस से आजमगढ़ जोड़ने वाला रिंग रोड नया बना हुआ है, काफ़ी सही बना है। बीच में थोड़ा सा जौनपुर में यार लोचा है, बीच में थोड़ा जौनपुर में कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा वहाँ कुछ इशू चल रहे हैं, वो भी हो जाएगा तो पूरी तरीके से बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पर फिलहाल अभी आजमगढ़ तक ही बना है, प्लान तो पूरा गोरखपुर तक का ही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, दूसरा ब्लॉग का वीडियो, अभी मैंने नया नया ब्लॉगिंग ये शुरू किया है, तो अगर कोई कमी दिखे आपको या कोई सजेशन हो तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट जरूर करिएगा कि ये करना चाहिए या ऐसे ऐसे करना चाहिए, जो भी आपको सही लगे कि नहीं आप अपने भाई को बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, प्लीज सजेस्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूं और अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूं। ऐसे ही बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा, ज़रूरी है ना यार बात करना भाई, अपने लोगों से बात नहीं करूंगा तो मैं भी तो बोर हो जाऊंगा ना भाई, खाली बैठे बैठे अकेले हूँ, देख लो भाई कोई नहीं अगल बगल। चोलापुर के लिए जाना हो, बनारस शहर में आके चोलापुर गांव में अगर जाना हो तो ये रिंग रोड से आप यहां से ऐसे कट जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, इधर से आप नीचे चोलापुर के लिए उतर जाएंगे। चेक किए ये देखिए बाइक टर्न ले रही है आगे से ना, चेक किए देखिए ऐसे चूतिए भी बसे हैं दुनिया में, वालों से ही रहना चाहिए गाड़ी चलाते समय, साले कब कहां से आ जाएंगे कहां से निकलेंगे कुछ पता नहीं रहता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी ट्रक वालों से ही होता है।
हो गया भाई फ्यूल रिफिल। मैंने सोचा यार जा रहा हूँ, दूरी है, सबसे पहला भाई सबसे जरूरी काम डीजल पेट्रोल जो भी हो सीएनजी पहले वो फुल कराओ, उसके बाद ही कहीं निकलो। क्योंकि भाई अगर वो धोखा दे दिया तो कहीं की नहीं रह जाओगे, ना कहीं पहुँचोगे ना कुछ कर सकते हो। तो भाई अभी ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये बहुत डेंजर रोड है भाई। एक तो बहुत नैरो रोड है, ऊपर से यार बहुत ज़्यादा टर्न है, बहुत टर्न, वो भी अंधा मोड़ है समझ लो एकदम। सामने से कब अचानक कोई गाड़ी आगे, अगर आप स्पीड में हो तो बहुत रिस्क होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है इस रोड पर, इसीलिए बहुत ही आराम से केयरफुली यहाँ ड्राइव करना पड़ता है भाई। ये वही जो मैं बोला ना कि थोड़ा सा जौनपुर में लोचा है, रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वही बीच में ये रोड है। तो बस यही है कि कभी भी इस रोड पे आना हुआ तो अगर आप पहली बार आ रहे हो और आपको पता है, अगर आप जौनपुर की तरफ जा रहे हो और इस आजमगढ़ रोड से जा रहे हो तो भाई इस रोड पे प्लीज़ बहुत केयरफुली ड्राइव करना, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्क होता है एक्सीडेंट होने का। कुछ दिखाई नहीं रहा है, ऐसे ऐसे मोड़ है ना भाई कि दिन में चलो फिर भी ठीक है, अगर रात में तो एकदम आप ऊपर से अगर ठंडी हो, ठंडी में अक्सर गांव जाता रहता हूँ, मेरा गांव गोरखपुर है तो मैं इसी रूट से जाता हूँ, तो भाई अक्सर बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना कोहरा से भरा होता है। और जौनपुर बस यही है, ठंड के टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, मॉर्निंग में एकदम, एक तो ऐसे ही नहीं रात में दिखाई देगा, ऐसा मोड़ है, ऊपर से ठंड में पूरा कोहरा रहता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है भाई। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भाई इस एरिया में होता है, इस एरिया में ये जो मोड़ है देख रहे हो इतना अंधा मोड़ है, इस अंधे मोड़ पर इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है भाई, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सब कुछ ठीक है भाई, पर गाड़ी चलाते समय गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, मगर कार चलाते समय एकदम, कार हो या बाइक कुछ भी हो, ड्राइव करते समय एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए यार। सॉरी एक्चुअली मैं वहाँ फंक्शन का पूरा वीडियो कुछ भी वीडियो में दिखा नहीं पाया, एक्चुअली हुआ क्या कि आपने जो अभी लास्ट वीडियो देखा मेरा स्टोरेज ही फुल हो गया, वहाँ से अप्रॉक्स 8 से 10 किलोमीटर ही रह गए थे, पर मेरा स्टोरेज ही फुल हो गया इसलिए मैं कुछ वीडियो वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और फिर वहाँ जब पहुँचा तो फिर जान ही रहो यार, एक्चुअली वो मेरे बचपन के दोस्त के घर पे फंक्शन था, तो वहाँ पहुँचने के बाद पूरी फैमिली वाली चीज़ें थी तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ा उसके साथ, और लोगों का स्वागत करने में, चीज़ें मैनेज करने में, फिर लोगों को खाना खिलाने में। एक्चुअली गाँव में तो जान ही रहो, गाँव में आज भी लोग सर्व करके खिलाना प्रीफर करते हैं, तो लोगों को खाना खिलाने में ही टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो मैं स्टोरेज खाली किया, फिर निकलने का टाइम हो गया तो कार्यक्रम सारे ख़त्म हो गए थे, इसलिए वहाँ का मैं फंक्शन का। तो चलो कोई नहीं यार, अब जो हो गया सो हो गया, चलिए अब वापस आते वक्त आपको रात के सफ़र का वीडियो आपको दिखाते हैं, वही देखिए, इंजॉय करिए। तो फाइनली अब वो वक्त आ गया भाई, फंक्शन अटेंड हो गया, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, वहाँ का तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा था, बस अब घर की तरफ वापस जाते हुए अब यहाँ से निकल दिए हैं, एक आध डेढ़ घंटे में घर पहुँच जाएंगे, और रात का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको, रात का भी अलग आनंद है ब्रो, अभी तो फिलहाल गाँव में ही है।
जस्ट अभी निकले हैं। गांव के रोड पे ही हूँ, ये बस थोड़ी देर में मेन रोड पे से लिंक है ये रोड, बस थोड़ी देर में मेन रोड पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ से मुझे लगता है मैक्सिमम एक घंटा के आसपास लगेगा मुझे घर पहुँचने में। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, काफ़ी इंजॉय किए हम लोग, काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों के साथ यार, टाइम स्पेंड करने का मज़ा ही अलग है भाई। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, रात में ड्राइव करो, लाइफ इंजॉय करो ब्रो, हर चीज़ का अपना मज़ा है मगर सब चीज़ लिमिट में है ब्रो। बस अपन आ गए मेन रोड पे, ये हम लोग आ गए मेन रोड पे, रिंग रोड पे। बस यहाँ से मुझे एक घंटा लगेगा अपने घर पहुँचने में, ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन हाँ 45-50 किलोमीटर के आसपास है। बस आ गया रिंग रोड, thank you।
यार एक्चुअली फिर से मोबाइल का स्टोरेज ख़त्म हो गया और मैं घर आते तक का पूरा प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाया। एक्चुअली मैं जो सोचा था वो आपको दिखा नहीं पाया। मैं क्या सोचा था कि मैं चलूँगा और वहाँ फंक्शन का सारा वीडियो, जो भी दोस्तों के साथ मस्ती होगी वो सब आपको दिखाऊंगा, मगर मोबाइल का स्टोरेज धोखा दे दिया और ना वहाँ का कोई वीडियो बना सका, ना वापस आते वक्त भी घर का पूरा नहीं बना सका। पर सॉरी यार उसके लिए, पर नेक्स्ट टाइम मैं पूरा मेक श्योर करूँगा कि आपको पूरा प्रॉपर वीडियो दिखा सकूँ जो भी हो, और स्टोरेज का प्रॉपर ध्यान देके जाऊंगा भाई, ताकि ऐसे आगे से कोई दिक्कत ना हो। फिर भी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आप मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं ऐसे ही आगे इससे अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। महादेव।